मेरे पास तो पूरी मीडिया में सब सबूत है। राजश्री मोरे जी के पास अगर मेरा एक भी प्रूफ है, क्या क्या बोला है आप बताइए। क्या इल्जाम क्या क्या है? राजश्री का सबसे बड़ा इल्जाम जो है वो ये है आपके ऊपर कि आपने कहा है कि राजश्री जो है वो अपने मेलाद में गलत काम करवाती है। मैंने नहीं कहा ये बात, राजश्री नेलाट में गलत काम करते, मैंने नहीं कहा है। मुझे प्रूफ दो आप। और दूसरा इल्ज़ाम? उनका कहना है कि आपने उन्हें धमकी दी। मैंने कोई धमकी नहीं दी है, मुझे प्रूफ दो। तीसरा? उन्होंने कहा है कि उनके जितने भी नेलाट वगैरह हैं, उनके जितने भी शॉप्स हैं, वो आप चलाती हैं और यू नो आप ओनर हो। मैंने ऐसा बिल्कुल किसी को नहीं बोला, मुझे प्रूफ दीजिए। मुझे कोई प्रूफ तो होगा ना, उन्होंने एक एनसी लिखाई है, कोई तो प्रूफ होगा। मुझे आप लोग मीडिया वालों से ही मैं मांगूंगी या पुलिस स्टेशन से मांगूंगी कि अगर मैंने कुछ बोला है मैसेज द्वारा या फोन में या पर्सनली, तो मुझे आप प्रूफ दीजिए। मैं प्रूफ मांगती हूँ, बगैर प्रूफ के तो कोई मतलब ही नहीं है बात का। आपको प्रूफ दिया उन्होंने? क्या मीडिया को प्रूफ दिया? जो इन्होंने मीडिया ट्रायल किया है आज, क्या उन्होंने मीडिया को प्रूफ दिया है? देखिए, मैं एक चीज़ इसमें बोलना चाहूँगा, सॉरी टू होल्ड। आप अगर वो इंटरव्यू देखोगे राजश्री का, तो राजश्री ने जो बैकग्राउंड में जो बैनर रखा हुआ है, वो बैनर उनके नई लाट का बैनर है। वो बैनर के बैकग्राउंड में वो जो इंटरव्यू देना चाह रही है, वो एक्चुअली पब्लिसिटी स्टंट है। क्योंकि तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि राजश्री जी, आपने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, वो तो है ही है, लेकिन आप अपना नेल्स का जो स्टूडियो है वो लॉन्च कर रही थी, प्रमोशन कर रही थी। कौन होगा जो मुझ पे इतने एलिगेशन लगाया है और अपना नेल स्टूडियो का क्या बोलते वो बैनर वहाँ पे लगाया है, है ना? हम तो यहाँ अभी आज रेस्टोरेंट में बैठे हैं और ये तो रेस्टोरेंट का है, ये मेरा नहीं है, मेरा रेस्टोरेंट ये नहीं है, ये रेस्टोरेंट का यहाँ पे हमने उनसे इजाज़त लेकर इधर बैठे हैं, ये मेरा नहीं है। राजश्री ने अपना पब्लिसिटी स्टंट किया है और उन्होंने अपने जो नेल स्पा है, जो भी नेल स्टूडियो है, उन्होंने उसको मतलब अपना बैनर पीछे लगाया है। अब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने राजश्री को बोला जब हमारा दुबई में सब लफड़े झगड़े हो गए, फिर भी यहाँ पे आके मैं पैचअप नहीं करना चाहती थी। फिरोज़ और फाल्गुनी जी ने बोला आप लोग दोस्त हो 8 साल के, पैचअप कर लो, जाने दो, तो वो रेडी हुई थी। आज उन्होंने मीडिया में कहा है कि मुझे पता नहीं था, उनको पूरा पता था कि मीडिया आके आज मीडिया में दोनों का पैचअप होने वाला है, क्योंकि आस पास के दोस्तों में झगड़ा होता है, दोस्तों में तुतु मैं भी होता है, तो जो दूसरे होते हैं दोस्त वो पैचअप कराते हैं। तो पैचअप मैंने हम लोगों ने कर लिया और उन्होंने कहा है कि मैंने 3 महीने से राखी से बात नहीं करी है, अभी 4 दिन पहले ही मैं नेल स्पा में जाके नेल्स कराई हूँ, बाल वॉश कराई हूँ, और पासपोर्ट की बात जो है, मेरे घर में राजश्री का आना जाना काफ़ी रहता है, कभी टिफ़िन लेकर आती है, कभी मिलने आती है, क्योंकि वो मेरी बहन जैसी है, माँ जैसी है, बहुत मेरा बुरे वक्त में उसने ख्याल रखा है, ये मैं नहीं भूल सकती। मेरा गोल्डन पर्स में से पासपोर्ट चोरी हो गया, जब आदिल जेल से बाहर आए, आदिल ने कहा मेरा पासपोर्ट है तुम्हारी गोल्ड पर्स में, मैंने बहुत चेक किया, और पर्स में से पासपोर्ट चोरी हो गया, मेरे पर्स में से, और मैं 2-3 दिन से स्ट्रेस में थी काफी टाइम से। तो मैंने राजश्री को बोला यार तेरे पास मेरा गलती से पासपोर्ट तो नहीं आ गया, बट मेरे घर से पासपोर्ट चोरी हो गया मेरे पर्स में से। तो राजश्री मुरे ने वो पर्स में से मेरा पासपोर्ट, आदिल का पासपोर्ट चोरी किया, मैं अभी इनको बता रही थी, वो गायब हो गया। आज उन्होंने दिखाया
मैंने उनको ये भी बोला, यार तुम अभी मेरे पूछे बगैर उनको एक वॉइस मैसेज किया राजश्री, तो मैं उसने बोला कि मेरे पास है और आज उसने बोला मैं आपको दे दूंगी, मेरे घर में काम चल रहा है, मैं अभी वो आपकी फाइल आपका सब कुछ पासपोर्ट जो है वो मैं अभी आपको नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आज मीडिया के सामने शॉक होकर उसने आदिल के हाथ में दिया, ना कि उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने मेरे से मेरे घर से ही चोरी किया, मेरे पर्स में से चोरी किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आदिल का था उनको दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आदिल को ही बिलोंग करता है, लेकिन मेरे घर से चोरी हुआ तो उन्होंने चोरी किया। बिल्कुल, देखिए ये आप लोग कुछ समझिए और हमें बताइए, आप लोगों ने वो इंटरव्यू लिया राजश्री का, पीछे बैनर लगा हुआ है, बैनर का प्रमोशन हो रहा है, 50 मिनट का लगभग वो कुछ वीडियो और इंटरव्यू सामने आया हुआ है, आप लोग समझिए इस बात को कि कोई इंसान जो है किसी के घर में जिसका आना जाना है वो क्लेम कर रहा है कि उसके पास पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट उसको कैसे मिला वो नहीं बता रहा, लेकिन वो ये बता रहा है कि ये पासपोर्ट मेरे पास है और मीडिया को इन्फॉर्म किया जा रहा है उनकी तरफ से कि हम ये रिटर्न करने को तैयार है अगर आप रिटर्न कर दो तो अगर मैं इसी बात पे आ रहा हूँ ये चीज़ कि ये जो है ये एक तरीके का वर्बेटिम है, वर्बेटिम का मतलब होता है कि मैंने ये चीज़ कहा, उनके पास क्या प्रूफ है कि राखी ने वो चीज़ उनको दिया हुआ है, लेकिन राखी के पास ये बात फैक्ट है और जो वो डिनाई भी नहीं कर सकती कि उनका उस घर में आना जाना था, उनको इस केस के बारे में सब कुछ पता था, तो क्या ये हकीकत नहीं है कि केस में इनके साथ विश्वासघात हुआ है, क्योंकि लीगली भी अगर कोई इंसान इनको लीगली भी रिप्रेजेंट करता है तो हमारा भी एक पावर होता है कि हम अपोजिट पार्टी से बात नहीं कर सकते, हम अपोजिट पार्टी से कोई व्यवहार नहीं कर सकते, तो जब उन्होंने इस केस के बारे में वो वैसे क्लेम कर रही है कि उन्होंने हेल्प किया, वो साथ में खड़ी थी, जो डिनाई भी शायद नहीं कर रहे, लेकिन बात ये है कि क्या ये गलत नहीं है कि किसी के किसी अपोजिट पार्टी के सपोर्ट में बात की जा रही है, तो विश्वासघात है। राजश्री मेरे साथ में खड़ी थी हर मौके पर, कोर्ट के टाइम पे, मेरी मॉम के हॉस्पिटल के टाइम पे, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनके नेल आर्ट की पब्लिसिटी लेने के लिए। एक तरफ मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मैं अधमरी हालत में, एक तरफ आदिल से मेरा कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट में जा रही हूँ, हर जगह जा रही हूँ, कोर्ट में जा रही हूँ तो वो आराम से आ रही है ना धो के रेडी होके, जब मीडिया आती है तब तो वो आती है, मैं तो सुबह उठ के चली जाती थी, जब भी उनके मेरे पास जगह नहीं होती थी तो मैं लखनवी जो रेस्टोरेंट है ना वहाँ पे जाती थी और ये लोग मेरे को ज़बरदस्ती खिलाते थे कि खा लो थोड़ा, तो सबको कहती थी कह रहे तेरा चिकन टिक्का खाया है, तेरी बिरयानी खाई है, जल्दी से तुम्हारा बैनर लगा दो, मीडिया आने वाली है, संगीता को बोलती थी, मैं अधमरी हालत में थी, मैं होश में ही नहीं थी, वो जल्दी जल्दी पीछे बैनर लगा देते थे कि कहीं से वो दिख जाए, जब भी मैं नेल आर्ट में बाल वॉश कराने नेल्स करने जाती थी तो वहाँ पे नेल आर्ट का बैनर लगा देती थी। राजश्री मोरे को मेरी जो दोस्त है उसको पब्लिसिटी के अलावा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था राखी सावंत से, जब भी देखो पब्लिसिटी, जब भी मैं नेल्स कराने जाओ बाल वॉश कराने जाओ तुरंत मीडिया को मैसेज कर देती थी कि राखी आइए हेयर वॉश कराने जल्दी आ जाओ, राखी आइए नेल्स कराने जल्दी आ जाओ, और भी सेलिब्रिटी वहाँ जाते हैं तो तुरंत सबको मीडिया को बोलते हैं सेलिब्रिटी आए जल्दी आ जाओ, बेचारे सेलिब्रिटी कुछ नहीं करते वो आके पीछे बैनर स्टार्ट कर देती। जब मैंने दुबई से आने के बाद कहा कि अब मैं आपको प्रमोट नहीं करूँगी तो उन्होंने हेयर वॉश कराने के नेल्स करने के पैसे लेना शुरू कर दिए, पहले उनका ही मैसेज था अरे तू तो मेरी बहन है, तू लैश करा, तू नेल्स करा, तू बाल करा, एक रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा, ले लो, नहीं 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 तू मेरी बहन है, ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि वो नेल्स पा मेरा है, मेरे लिए प्रूफ लाओ, मैंने उसे कभी नहीं कहा, जितने उसने एलिगेशन लगाए हैं धमकियाँ, मैंने कभी भी कुछ भी नहीं, मुझे एक वॉइस मैसेज दे दो या फिर एक मैसेज दे दो धमकी का, या मैंने अगर कहा हो कि वहाँ पे इनलीगल कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा कि कुछ इनलीगल हो रहा है, मैंने बिल्कुल भी किसी को नहीं बोला, मुझे एक प्रूफ दे दो, एक प्रूफ। आदिल मैं आपको मान गई, आदिल मेरे हस्बैंड आदिल खान दुरानी, दोस्त दोस्त ना रहा
प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। तो आदिल खान दुरानी, जिसे मैं बेइंतहा प्यार करती थी, जिनसे मैंने निकाह किया था, आपने चारों तरफ से मेरा जो सपोर्ट था पूरा तोड़ दिया। जैसे राजश्री मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, राजश्री को मैंने, आप लोग साक्षी है, बेस्ट बिजनेस वुमन का अवार्ड दिलाया। उन्होंने क्या कहा मीडिया में, आपके पास शायद बाइट होंगे, कि जितना प्यार मुझे राखी ने दिया कोई दे नहीं सकता। ये अवार्ड आज मुझे लोखंडवाला में बिजनेस वुमन का अवार्ड दिलाया राखी सावंत ने। मैं कुछ नहीं थी, मुझे सड़क से राखी ने आसमान पे पहुंचाया। आपके पास शायद वो बाइट होंगे, तो मैं मीडिया से कृपया करूंगी वो दिखा दीजिएगा। आज राखी ने मुझे जहां गई बड़े बड़े अवार्ड में, टैली अवार्ड में मैं गई थी, उनको इनवाइट नहीं था, लेकिन उनको स्टेज पे मैं लेकर गई कि मेरी फ्रेंड रहेगी। आपके पास बाइट है दोस्तों, हर वक्त उसको मैंने इज्जत करी। लेकिन आदिल जेल से आने के बाद जिस थाली में खाया उसी में नमक हरामी करी, उसी में छेद कर दिया राजेश। राजश्री तुम्हारी भी माँ है राजश्री, और वो 100 साल जिए, मेरी दुआ है। राजश्री मेरी माँ चली गई, मर गई, तुम आदिल के साथ मिलके ये स्टेटमेंट दे रही हो कि मैंने उस रात चिकन चिली बिरयानी खाया। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारी माँ 100 साल जिए, खुदा ना करे ऐसा कभी हो। अगर खुदा करे ऐसा हुआ ना, तो तुम भी बिरयानी और चिकन चिली नहीं खाओगी। क्या यह मुद्दा यह है कि राखी सावंत ने बिरयानी और चिकन चिली खाई? क्या यह मुद्दा है? पूरा आ गया। मुझे इन लोगों ने बिठाया, मैं मेरी माँ को जस्ट आइस में रखकर आई थी, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोर, हाँ, आइस में रखे आते हैं ना, हाँ, मोर्ग में रखे आई थी मैं। कौन सी बेटी, कौन सा बेटा इस दुनिया में होगा जो चिकन चिली और ये खाएगा? वो कहती है कि मैंने पूछा क्या खाएंगे, क्या मुझे तो नहीं पूछा गया था क्या खाएंगे। इन लोगों ने सबने उठा के मुझे टेबल पे बिठाया। क्या आप सोच सकते हैं कि टेबल पे बिठाने के बाद कोई बंदा वीडियो ले रहा है उस दिन का प्रूफ के लिए? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि आगे क्या होने वाला है, तो इंसान वीडियो भी ले रहा है। आदिल ने वीडियो लिया कि राष्ट्रीय ने वीडियो लिया, मुझे नहीं पता। मेरी माँ मरी हुई है, शॉक में हूँ, इन्होंने बिठाया मुझे डाइनिंग टेबल पे, मुझे ही नहीं पता कि मैं दाल रोटी खा रही हूँ, मैं चिकन खा रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ जो थाली में परोसा। सुबह की भूखी मैं, क्या परोसा इन्होंने मुझे खिलाया? राष्ट्रीय ने कहा सबने मिलके खाया। क्या ये मुद्दा है कि सबने मिलके खाया? मुझे गटर कहा, गटर का ढक्कन खोलूंगी, उन्होंने गटर कहा। तो राजश्री मोरे, मैं मुझे गटर कहा ना आपने, जब अगर गटर का ढक्कन खुला ना, तो उसमें से कूड़ा निकलेगा, ऐसा कूड़ा, ऐसी बदबू। अगर मैंने बोल दिया मीडिया में, अगर मैंने बोल दिया, तो तुम पूरे लोखंडवाला में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। राजश्री मोरे, तुम्हारी जो लड़कियां जो अंदर है, जो सेलिब्रिटीज का सबका नेल्स करती है, उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अगर उस तुमने जो मुझे गटर का उसका ढक्कन खुल गया, लेकिन मैं तुम्हारी जैसा नहीं बनूंगी। बहुत तोहिन करी तुमने मेरी, मेरे हस्बैंड से मिल के मेरे साथ गद्दारी करी तुमने राजश्री मोरे, मेरे घर से पासपोर्ट चोरी किया तुमने आदिल का, मेरे और भी बहुत सारी चीज़ें राजश्री मोरे के घर में हैं, बहुत सारी चीज़ें, कपड़े, शूज़, फाइल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं राजश्री मोरे के घर में।
क्योंकि मैंने उसे एक माँ का दर्जा दिया था। हर वक्त जहाँ जाती थी वो मेरे साथ रहती थी। तुमने तो यार पेट्रोल का पैसा, दाल चावल, रोटी सब्जी का भी गिना दिया। कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए खाना लाती, कोई भी माँ ये नहीं गिनवाती है। राश्री मोरे, क्या प्यार है तुम्हारा राश्री मोरे, लेकिन तुम मेरी दोस्त हो और हमेशा दोस्त रहोगी, लेकिन मेरे दिल में। लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है ना, आदिल ने तो, जो आदिल पति पत्नी का तो झगड़ा बनता है, लेकिन ये सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। जब मैंने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारे नेल स्टूडियो का प्रमोशन नहीं करूंगी, बस राश्री मोरे मुझे यूज मत करो, तो उन्होंने आदिल खान दुरानी और शर्लिन चोपड़ा जी के साथ में हाथ मिला लिया कि अब राखी से तो कोई पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, अब मैं इनसे पब्लिसिटी लूंगी। जो भी सेलिब्रिटी वहां पे आते हैं, पीछे वो अपना दरवाजे के पीछे अपना बैनर लगा देती है। राश्री मोरे को ना दोस्त, ना यार, ना कुछ चाहिए सिवा उसकी पब्लिसिटी के। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, हर इंसान अपनी उनके ब्रांड की पब्लिसिटी चाहता है, हर इंसान। बिल्कुल, लेकिन किसी को यूज करके नहीं। लेकिन यार आदिल, शर्लिन जी और राश्री मोरे और उनके वकील साहब, आप लोगों ने तो राखी सावंत को एक डस्टबिन, यूज मी कहते ना, टिश्यू पेपर बना दिया। लेकिन मैं आप लोगों को बस आशीर्वाद ही दूंगी। हाँ राश्री मोरे जी, मैं वर्त रखती हूँ ना, मैं कोई डस्टबिन हूँ जो आप लोग मुझे कहते हैं, गटर हूँ जो आप लोग मुझे कहते हैं, मैं वर्त रखती हूँ मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मर्दानी, 100 करोड़ की मानहानि का जो दावे का प्रोसेस है मेरा चालू है, बहुत जल्द आपको सारे पेपर मिलेंगे। बिल्कुल, am I right? बिल्कुल। मैं एक बॉलीवुड की बड़ी सेलिब्रिटी हूँ और आपने मेरी धज्जियाँ उड़ाई हैं। मैं पीड़िता हूँ, मेरे हस्बैंड के बीच में मैं रोऊंगी नहीं आज, क्योंकि जो इंसान दिल से रोता है ना उसे नौटंकी ड्रामा कहा जाता है। रोऊंगी नहीं, और जो इंसान सफेद झूठ चिल्ला चिल्ला कर बोलता है उसे सच्चाई बोली जाती है। तो झुंड में तो सुअर आते हैं, शेरनी अकेली आती है। मैं कहती हूं आदिल खान दुरानी, तुमने मेरे वाहिद भाई को बोला राखी के सर से हाथ हटा दो, उसको सपोर्ट मत करो। तुमने मेरे एडवोकेट फाल्गुनी को बोला कि राखी को सपोर्ट मत करो। तुमने अनस भाई को बोला कि वो जो चेक आपके पास है मुझे दे दो। तुमने मेरे इर्द गिर्द लोगों को बोला कि राखी को सपोर्ट मत करो, मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे सपोर्ट करो। मुसलमान तो मैं भी हूँ। आज मेरा बहुत ही मीडिया में मजाक उड़ाया गया, बोला गया कि मैं मुसलमान हूँ। हाँ मैं मुसलमान हूँ, हाँ मैं अभी नया बच्चा हूँ मुसलमान, मैं नमाज पढ़ती हूँ, 5 टाइम का नमाज सीख रही हूँ। मेरी नमाज अल्लाह को कबूल है तो तुम कौन होते हो बोलने वाले, तुम कौन होते हो जज करने वाले? मेरी नमाज, मेरा वजू, मेरी दुआएं ऊपर वाले ने कबूल कर ली है तो तुम इंसान शैतानों, शैतान जो तुम्हारे अंदर बस के जो मेरे खिलाफ कर रहा ना है शैतान, 25 तारीख को तो मैं बहुत बड़ा धमाका दूंगी, वो कोई रोक नहीं सकता। तो कर ले शैतान मेरा जितना बिगाड़ सकता है, मेरे अल्लाह से बढ़कर, मेरे खुदा से बढ़कर कोई नहीं। जिसका कोई नहीं उसका तो सिर्फ खुदा है यारों, तो मेरा सिर्फ खुदा है। सबको मालूम है आज मैं अनाथ हूं, लेकिन मेरा ऊपर वाला है आदिल खान दुरानी। आपने पीआर कंपनी हायर करी,
एक आईटी कंपनी होती है, जब भी इनके मैसेज आते हैं ना तो नीचे मैसेज आता है जस्टिस फॉर आदिल, राखी बुरी है, राखी ऐसी है। वो ऑटोमेटिकली इन्होंने इतने पैसे दिए हैं ना आदिल खान दुरानी, जो मैंने 1.5-2 करोड़ जो आदिल खान को दिए, जिसके मेरे पास पूरे चेक है, वो उन्होंने ऐसे ऐसे बैंकों में पैसे डाले जो जो उन्होंने पुलिस को कोर्ट को नहीं बताया है। वही पैसे जो मेरे खिलाफ आदिल खान दुरानी जो इस्तेमाल कर रहे पीआर कंपनियों को हायर करके, वो मैसेज जो है ना ऑटोमेटिक, वो मेन जनता के मैसेजेस नहीं है। अगर कोई जनता मेरे लिए बोलता तो उसको नीचे गाली दी जाती है, ऑटोमेटिकली रोबोट टाइप वो मैसेज आने लगते हैं जस्टिस फॉर आदिल एंड मुझे गालियां देने के लिए। आदिल, पहली बात तो कोर्ट आपको अलाउड नहीं करता कि आपकी अभी बेल हुई है, आप बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। मैं आज एप्लीकेशन कर रही हूँ मुंबई कोर्ट में फाल्गुनी जी को बोल के, हमारे वकील जी को बोलकर कि इनकी बेल रिजेक्शन के लिए एप्लीकेशन करें, और जल्द से जल्द मैं गुजारिश करूँगी मुंबई कोर्ट को कि इनकी बेल कैंसिल